स्पेशल आपके लिए बना हुआ है। क्या बात है। तो मैजिक हैंड्स, इनके हाथ मैजिक वाले हैं भाई। पता नहीं खाने में क्या डालते हैं, बंदा मतलब कि एक जादू सा हो जाता है। ये जो शाही टुकड़ा है ये जबरदस्त है, जबरदस्त। एक बार खाओगे ना तो बार बार इसको खाने का मन करता है। तो इसके साथ ही भाई एक अगोगो है भाई, अगोगो। Think fast and I talk real. I give a fuck about how they feel. Me and Zay just dropped a propane and it sounded like massive pill. For my dog, I'ma ride to the wheels kill. Got his hand on the hammer, so keep it legit. I've been the man with the blueprint. I won't stop till I own every brick. I used to lay out in the line just to feel the world spin on its axis. Now I got the access and the last laugh. Got it out for the passion. I keep it 100 on the dash. Now that we got us some traction, slick talker. I'm a showstopper. You are not solid. Tread cautious. What's up? This is your boy Paras. So welcome back to my channel, guys, and another vlog, guys. तो अगर भाई पुराना व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, आई बटन में लिंक शो हो रहा है। तो अभी मैं हूँ भाई पताया बीच पे। तो यहाँ पर बहुत रौनक शौनक है और काफ़ी अपने लोग इंजॉय कर रहे हैं। थाई लोग अपने बैठे हुए हैं यहाँ पर, चिल कर रहे हैं। और साथ में है मेरे आज अमित भाई, जो कि इंडिया से आए थे। आपने लास्ट प्रीवियस व्लॉग में देखा ही होगा भाई को। आज भाई को 6वां दिन है, तो 6वें दिन भाई पूरा इंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। तो भाई कह रहे भाई मज़ा आ गया, मतलब कि ये जगह ऐसी है छोड़ नहीं सकते ना भाई। नहीं नहीं भाई, तो भाई 20 दिन के बाद ही वापस आ गए। मैं तो शॉक्ड हो गया भाई 20 दिन के बाद ही वापस। तो भाई मेरा अभी जाने को मन नहीं कर रहा भाई, तो जब तक पारस भाई साथ है ना जाने का मन करेगा ही नहीं भाई। बाकी अपना चिल कर रहे हैं और भाई को कोकोनट पानी भी पिलाते हैं। और अपना भूख भी लग गई है ना भाई? भूख लग रही है, खाना खाने चलेंगे। क्या खाओगे भाई? जो तू खिलाए, जो फेवरेट हो यहाँ पे। तो भाई कह रहा है खाना खाना। चलो लेके चलता हूँ आपको एक इंडियन रेस्टोरेंट में। चलो भाई का नया रेस्टोरेंट है, तो जा रहे हैं भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाने और आपको दिखाते हैं। और काफ़ी लोग की जो सोई बुखाव में रुकते हैं तो उनके लिए एक रेस्टोरेंट है, दिखाता हूँ मैं और आपसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो वाले रेस्टोरेंट का। तो भूख लग गई है और थोड़ा सा दिखाते हैं आपको पताया का माहौल जाते जाते। तो यार चलते हैं यार, भूख बहुत लग गई है, सीधा चलते हैं रेस्टोरेंट में और आपको दिखाते हैं भाई इंडियन फूड का एक्सपीरियंस और प्राइसेस बताते हैं आपको क्या होते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं भाई। पहुंच चुके हैं वो वाले रेस्टोरेंट में, खाना खाते हैं। भूख लग चुकी है भाई, अंदर बैठ चुके हैं ऑलरेडी। और ये है भाई सोई बुखाओ। सोई बुखाओ एक आपको पता ही होगा, काफ़ी भाइयों ने वीडियोस देखी होगी सोई बुखाओ की। पताया के अंदर एक सोई बुखाओ है और ये बिल्कुल स्ट्रीट है। यहाँ पर ज़्यादा बार्स और मसाज पार्लर और इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पर ज़्यादा, और यहाँ पर सिर्फ एक रेस्टोरेंट है, वो वाला ये वाला रेस्टोरेंट है। और आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर इन फ्यूचर कोई भी भाई आना चाहता है यहाँ पर, जहाँ सोई बुखाओ के आसपास कोई रुका है, तो ये वाले रेस्टोरेंट से खाना वाना खा सकते हो आप। तो ये वाला जो रेस्टोरेंट का नाम है ये है टी पॉइंट। तो चलते हैं भाई अंदर, मिलवाते हैं मेरे फ्रेंड से जो भाई मेरे यहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं। और भाई क्या हाल चाल? ठीक भाई, कैसे हो? और ये मेरे राम भाई हैं यहाँ पर, काफी साल हो गए भाई को यहाँ पर पताया में। और भाई सब ठीक ठाक? सब ठीक है भाई। और सुनाओ कैसा चल रहा है? ठीक है, अभी 2018 से ओपन किया था, अच्छा चल रहा था। कोविड के हिसाब से अभी सर्वाइवल किया बॉस ने, अभी 2 महीने पहले रिनोवेशन करके सब कस्टमर के लिए वापस बहुत अच्छा सा खोला। अच्छा। नया मेनू लाके, नया टेस्ट और पूरा फूड टेस्टी और हाइजेनिक है। तो भाई क्या, भाई ने जैसे बोला कि यार 2018 से सब कुछ बंद हो गया था, जैसे कि नहीं मतलब 2018 में खोला था, तो उसके बाद जब वायरस वगैरह आ गया था तो उसके बाद भाई ने बंद कर दिया रेस्टोरेंट, क्योंकि कस्टमर नहीं थे यहाँ पर। तो यार भाई इस एरिया के बारे में बताओ यार, या ये वाला एरिया ना काफ़ी हमारे जो इंडियन यूट्यूब फैमिली है उनको पता नहीं है ये वाला एरिया। तो ये सोईबू खाओ है, सोईबू खाओ का मेन स्ट्रीट रोड है ये, फतिया गलान से आप लेफ्ट साइड आओगे, बीच की तरफ जाने के टाइम पे लेफ्ट साइड आओगे, पूरा 1 किलोमीटर का रोड है। इसमें ऑलमोस्ट बार्स और मसाज ज़्यादा है। अच्छा। इधर 3 बड़ी होटल्स है, गोल्डन सी पटाया, एलके मेट्रो जो एलके सोई के नाम से फेमस है, और दूसरा हॉलीडे इन है जो रिसेंटली नया ओपन हुआ था लेकिन कोविड के बाद वो बंद हो गया, अभी वो वापस रिन्यूएट करके वापस ओपन कर रहे हैं। तो भाई के रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं आज, तो आज भाई का खाना टेस्ट करते हैं और आपसे शेयर करते हैं एक्सपीरियंस खाने का, खाना कैसा है। और अमित भाई को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, मुझे भी लग गई थी यार, तो अभी बैठ गए हैं। तो वो क्या बात है, तो वेलकम ड्रिंक।
लस्सी ऑर्डर की थी, लस्सी आ भी गई यार, सर्विस बहुत फास्ट है भाजी की। तो भाई मैंने स्ट्रॉबेरी ऑर्डर की है, और भाई ये है मैंगो लस्सी, तो पी के देखो क्या टेस्ट है। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया एक नंबर। सौ नंबर। मैं ट्राई करता हूँ। बढ़िया। ओए होए होए, जबरदस्त लस्सी भाई। लस्सी को अब रखते हैं, खाना आता है, खाना दिखाते हैं आपको। यार खाने की जो लुक है बड़ी जबरदस्त लग रही है, खाना टेस्टी, दिखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। कमेंट करके बताओ भाई खाना कैसा लग रहा है, और भाई को पूछते हैं क्या क्या भाई लेके आए। भाई को मैंने बोला था कुछ भी ले आओ, और भाई इतना सामान लेके आ गए, मतलब ये सारा कुछ टेस्ट करूंगा मैं। और बहुत जबरदस्त लुक लग रही है खाने, मुँह में मतलब माउथ वाटरिंग हो रही है अभी। तो भाई पीछे वीडियो बना रहे हैं मेरी, ओनियन रिंग्स है, ओनियन रिंग्स, तो रशियन सलाद है भाई, स्ट्रॉबेरी लस्सी है, मैंगो लस्सी है, चटनी है। बल्ले यार, हमने खाई स्पेशल आपके लिए बना हुआ आज। क्या बात है। तो भाई ने मतलब स्पेशल हमारे लिए शाही टुकड़ा बनवाया यार, मतलब बहुत खुशी वाली बात है। तो भाई का जो नेचर है बड़ा नाइस है यार, बहुत बढ़िया ट्रीट कर रहे हैं भाई, और खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। ठंडा ना हो जाए तो खाते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं, और पहले अमित भाई स्टार्ट करेंगे। तो भाई कैसा लग रहा है, लुक कैसी लग रही है खाने की? लुक खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है, ऐसा मन कर रहा है कि बस खा जाऊं भाई, रुका नहीं जा रहा मुझसे। क्या बात है यार, देख सकते हो। और ये है रोटी भाई, और ये है गार्लिक नान जो कि एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, और ये चिकन टिक्का है, और अपना दाल है, चिकन बटर चिकन है, और ये रशियन सैलड है, रिंग है, और पापड़ वगैरह। चलो खाते हैं भाई, करते हैं स्टार्ट। तो बताओ कैसा फीडबैक खाने के बाद? हाँ बिल्कुल बताते हैं भाई, लेकिन मेरे को खुशबू से लग रहा है कि खाना पहले बाइट लो, पहले सामान डालो, पहले मटेरियल प्लेट पे। तो भाई रुका नहीं जा रहा, एक बार मैं ट्राई करता हूँ और बताता हूँ कैसा इसका टेस्ट है। ये दाल बड़ी जबरदस्त लग रही है भाई, जबरदस्त भाई, बिल्कुल भाई जबरदस्त यार ये तो। चलो भाई अमित भाई ने तो ट्राई कर लिया, अब हम ट्राई करते हैं यार। एक मिनट, मेरा ये है बॉल। तो यार ये ना मतलब पूरी आटे वाली रोटी है, इसमें मैदा मिक्स नहीं है, तो देख सकते हो लुक वाइट है नहीं। बटर चिकन भाई बहुत टेस्टी है, अभी दाल ट्राई करूंगा, दाल भी टेस्टी है। एक्चुअली मैं खा चुका हूँ पहले, बट बहुत टेस्टी है। पहले खाना खा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं भाई खाना कैसा था। तो कैमरा नहीं पकड़ेंगे हम, इंजॉय करते हैं फूड, और लास्ट में आपको बताते हैं भाई खाना कैसा था। आई एम श्योर कि भाई खाना बहुत बढ़िया है। तो ठीक है भाई, करते हैं हम कंटिन्यू व्लॉग, और तब तक आप टाइम लैप इंजॉय करो। बहुत जबरदस्त खाना था, बट लास्ट में भाई एक डेजर्ट था जिसका नाम क्या था भाजी? ये जो शाही टुकड़ा है ये जबरदस्त है, जबरदस्त। एक बार खाओगे ना तो बार बार इसको खाने का मन करता है। मेरा पेट भरा हुआ था, ये चार पीस थे, एक पारस ने खाए, दो मैंने खाए अभी, और तीसरे पे भी मेरी नजर है वैसे, लेकिन मेरे पेट में जगह नहीं बची क्योंकि खाना थोड़ा सा चल के आगे खाना पड़ेगा इसको। हाँ जो भी है ये खत्म करना है, मैं खाऊंगा। चलो तो भाई ये मैं ही खत्म करूंगा, क्योंकि यार टेस्ट बहुत, मैंने मतलब खाया है ये, पहले खाया है मैंने इंडिया में, बट ये मैंने यहाँ पर मतलब थाईलैंड में ये ऐसी डिश 2 साल के बाद देखी है। 2 साल हो गए मेरे को यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कंटिन्यूसली रहते हुए, तो ये वाली डिश मैंने कहीं नहीं देखी, सिर्फ यही रेस्टोरेंट में देखी है। एक्चुअली ये 5-स्टार होटल का डिश है, और हम स्पेशल परस भाई के लिए स्पेशल बनाया हुआ शाही टुकड़ा। क्या बात है, एक्सक्लूसिव। क्या बात है भाई, मतलब मजा आ गया यार एक मतलब खा के। और सबसे बड़ी बात, इनका खाने का टेस्ट इतना जबरदस्त था, तो इन फ्यूचर जब आप आओगे तो भाई आपको पता चल जाएगा। ये रेस्टोरेंट की मतलब लोकेशन और फेसबुक पेज मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना होगा, इनको आना होगा यहाँ पर, तो जरूर विजिट करना। ये आप एक्सप्लेन कर दो एक बार फिर से, ये जगह कौन सी है? सोइगू खाओ मेन रोड पे, गोल्डन सी पटाया होटल के बराबर ऑपोजिट सामने है, टी पॉइंट इंडियन रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक क्यूजिन। भाई मैं ना डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल डाल दूंगा इनकी,
बट फेसबुक पे जो पेज है इनका भाई उसको फॉलो करना मत भूलना भाई, अपडेट करते रहते हैं फोटोज वगैरह। और भाई सच्ची ऑनेस्टली यार फिर से कह रहा हूँ, खाना बहुत टेस्टी था। और जिन्होंने खाना बनाया है वो भी मेरे दोस्त हैं काफी टाइम से, मैं जानता हूँ, आपको मिलवाता हूँ उन भाई से। अरुण भाई क्या हाल चाल? बस बढ़िया। तो भाई ये है मैजिक हैंड्स, इनके हाथ मैजिक वाले हैं भाई। पता नहीं खाने में क्या डालते हैं, बंदा मतलब कि एक जादू सा हो जाता है बंदे को भाई सच्ची यार, मतलब बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं यार आप। So honestly, मैं तो कितने साल हो गए भाई आपको यहाँ? 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गए भाई को। तो भाई को मैं एक्चुअली जानता हूँ 3-4 साल पहले से। तो भाई भाई के हाथ का मैंने खाना खाया हुआ है पहले भी, तो पहले भी बहुत जबरदस्त, अभी तो और भी एडवांस हो चुका है मतलब। तो कस्टमर में सेटिस्फेक्शन कस्टमर से होना है, कस्टमर कितना सेटिस्फेक्ट तो होता अच्छा से बिल्कुल। और आओ यार ये रेस्टोरेंट में प्यार दो यार, अपना टी पॉइंट, और भाई आपको मिलेंगे, अरुण भाई और अपने राम भाई मिलेंगे। तो तो भाई ऐसे है कि अपना एक चीज बताने ही भूल गया, ये भाई का रेस्टोरेंट है टी पॉइंट इंडियन रेस्टोरेंट। तो इसके साथ ही भाई एक अगोगो है भाई, अगोगो बिल्कुल बिल्कुल अगोगो के साथ भी देख अच्छा, सकते हो। और साइड में मसाज पार्लर, और भाई इसके साथ है अगोगो और इसके साथ ये मसाज, क्या बात है भाई। गोल्डन लोकेशन पे हो आप अभी, गोल्डन गोल्डन लोकेशन है भाई ये वाली, क्या बात है। और सामने ये होटल है भाई, कौन सा गोल्डन सी बताया, क्या बात है। तो मतलब ये मैंने अभी देखा। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा आपको माहौल दिखाते हैं ट्री टाउन का। तो यार ऐसे है कि नाइट लाइफ यहाँ पर, मतलब कि हम सोई बखाओ के अंदर ही घूम रहे हैं, और जो रेस्टोरेंट से अभी निकले हैं वहाँ से बिल्कुल ही मतलब 300-400 मीटर पे ही आपको ट्री टाउन मिल जाता है, जो कि हम पहले प्रीवियस वीडियो में दिखा चुके हैं। और ट्री टाउन और एलके मेट्रो वगैरह, और भाई कैसा लग रहा है यहाँ पर अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है बिल्कुल यार, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई लॉकडाउन वगैरह कुछ है। पूरा क्राउड है सड़कों पे भाई, बिल्कुल पहले जैसा ही फील हो रहा है मुझे तो यहाँ पे भाई। क्राउड है यार, बहुत क्राउड है। तो यार आगे है वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर, और देख सकते हो कितना क्राउड है भाई। तो भाई ऐसे है कि अपना वॉकिंग सीट गए थे, तो यार मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई, तो फिर हम थोड़ा सा वॉक वगैरह करके वापस आ गए। तो वॉकिंग सीट में भी खुल चुका है सब कुछ। आई होप कि यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ठोक देना, कमेंट भी ठोक देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे आईडी आ रही है इंस्टाग्राम की, वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो कैसा लगा भैया आपको आज? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पेट फुल हो चुके हैं हमारे? पेट तो भाई बिल्कुल फुल है, और भाई पेट एकदम फुल हो गया है। बहुत जबरदस्त खाना था भाई, मजा आ गया खाने में। और भाई जो अभी देखा हमने हाल वॉकिंग शीट का, भाई दिल खुश हो गया, दोबारा से रौनक लौट आई है भाई वहाँ पे, ये बात है। तो बढ़िया हो गया, धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है और सब कुछ ओपन हो रहा है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ, और शायद आपको आने वाले जो ब्लॉग है वो आपको शायद बताया कि नहीं, कोई और सिटी के मिलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपको बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ, फिलहाल के लिए बाय 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 भाई। To a thick stack, quick stack, think fast and I talk real, I give a fuck about how they feel, me and Zay just dropped the propane and it sounded like massive pill, for my dog I'ma ride till the wheels kill, got his hand on the hammer so keep it legit, I been the man with the blueprint, I'ma stop till I own every brick, I used to lay out in the line just to feel the world spin on its axis, now I got the access and the last laugh, got it off of the passion, keep it 100 on the dash, now that we got our subtraction, slick talker, I'm a showstopper, you are not solid, tread cautious, couldn't go.